इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड मुगेली। पतंजलि हरिद्वार द्वारा देश के सभी जिलों के लिए योग प्रचारकों की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा योग व आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से एक्यूप्रेशर आयुर्वेद, नशा मुक्ति रैली, आरोग्य सभा, विद्यालयीन बच्चों को नैतिक शिक्षा, खान पान सहित स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत देश के प्राचीनतम योग व आयुर्वेद को विश्व के कोने कोने तक ले जाया जा सके। योग रहे निरोग के उद्देश्य को लेकर भारत सरकार द्वारा योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा कर विश्व के सभी देशों में योग पद्धति को लाने के लिए पतंजलि हरिद्वार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि पतंजलि हरिद्वार से नियुक्त योग प्रचारक अजय कुमार द्वारा मुगेली जिले को योगमय, स्वच्छ व नशा मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वह जगह जगह योग शिविर के माध्यम से जिलेवासियों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुगेली जिले में पतंजलि हरिद्वार की 5 संगठन कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जिले को योगमय, स्वच्छ व नशा मुक्त बनाने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पतंजलि हरिद्वार से नियुक्त योग प्रचारक अजय कुमार की अध्यक्षता में मुगेली के रामगढ़ में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। इस शिविर में रामगढ़ क्षेत्र के लगभग 60 लोगों ने हिस्सा लिया था। वह शरीर को फिट रखने वाले प्राथमिक 5 योग के बारे में प्रशिक्षण लिया। इसके साथ ही रैली के माध्यम से भी अन्य लोगों को भी इस दिशा में जागरूक किया गया। ये 5 दिन शिविर रहता है, जिसमें घर घर जाके बच्चे लोगों को, स्कूलों में जाके बच्चे लोगों को सूचना किया जाता है, और जब बच्चे आते हैं तो बच्चे को पूरे नैतिक शिक्षा, खान पान के बारे में, पूरे कैसे जीना है, कैसे पढ़ाई लिखाई करना है, ये पूरे बताया जाता है। तो घर घर में 5 दिन रैली, 2 दिन रैली निकालते हैं, स्वच्छता अभियान इस माध्यम से पूरे गांव में फैल जाता है, पूरे योग के माध्यम। 12 प्रकार के योगिंग जोगिंग, जो शरीर फिट रहता है, ये योगिंग जोगिंग मोटापा नहीं बढ़ता। सूर्य नमस्कार, जो पूरे शरीर को फिट रखता है, ऑक्सीजन के माध्यम से कराया जाता है, और ये अनुलोम विलोम, कपाल भाती, वैसे तो 8 प्राणायाम कराते, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और कपाल भाती, जो हमारे पूरे शरीर के लिए, फिटनेस के लिए, इससे करने के लिए, इसको करने के लिए कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आती, ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और बच्चे लोगों को आज विशेष खान पान के जड़ी बूटी पूरे स्वदेशी के बारे में बताया गया। हमारे पतंजलि योग समिति के माध्यम से 5 संगठन हैं, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, किसान पंचायत, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति। 5 संगठन के माध्यम से हमारे पूरे जिले में, मुंगेली जिले में योग प्रचारक, आदरणीय योग प्रचारक अजय भाई और आदरणीय विजय भाई हमारे जिले में, दोनों योग प्रचारक के द्वारा गांव-गांव में जाकर के योग का प्रचार कर रहे हैं। योग से हमारे पूरे लोगों को घर घर जाकर के स्वस्थ बना रहे हैं, बीमार लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, स्वदेशी आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं, स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, और पूरे जिले को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे सहयोग पतंजलि योग समिति के द्वारा किया जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या आपको सीखने को? इससे अच्छा महसूस हो रहा है, सारी क्रियाएं सीखे हैं अपन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत और बाह्य प्राणायाम, इससे शरीर को थोड़ा बल मिल रहा है करने से। पहले और आप में, पहले और अब में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? हल्का महसूस हो रहा है, थोड़ा ऊर्जा प्राप्त हो रहा है शरीर में। जॉगिंग जॉगिंग भी सिखाया गया है और प्राणायाम भी करवाते हैं, बहुत सारे प्राणायाम, 8 प्रकार के प्राणायाम भी सिखाए हैं जी, और इससे नैतिक शिक्षा में भी। कैसा महसूस हो रहा है अभी? पहले से हल्का महसूस हो रहा है, पहले पूरा भारी भारी लगता था, हाथ पैर में दर्द रहता था और कुछ भी करने में मन नहीं लगता था, तो अब थोड़ा पहले से। मुगेली से विवेक जायसवाल व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, RJ रमझाजर।